ये जंगल के बाद मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रोल मिला, और इसमें बहुत सारा एक्शन सीन करने को मिल रहा है मुझे। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तड़का जो कैरेक्टर है जो रामायण में आ चुकी थी, वो एक ऐसी औरत थी जो मर्दों की तरह थी। वो रावण से भी ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ही क्रूअल थी, क्रूर थी। तो वो बहुत सारे ऋषि मुनियों को मार रही थी, और उन्होंने पूरा उसको साउथ से निकाल के नॉर्थ इंडिया में भेजा था। तो पूरा वो वन और वो वहाँ जगह उन्होंने कब्जा किया था। उसका लक्ष्य था विश्वामित्र जी को मारना। तो दिस वॉज वॉट ताड़का वॉज। एक सीता को आपके जो उसमें है, आपने बहुत करीब से समझा होगा सीता के किरदार को। आज के दौर में सीता के किरदार को, सीता की जो एक आइडेंटिटी है या सीता का जो एक नेचर है, उनको उनका जो मैं उनको मिली नहीं, एक उनके जो एक्टर की बात करें तो सीता जो कैरेक्टर जो है, सीता एक रावण सीता जो एक बहुत ज़्यादा माना जाता है रिलीजन में, तो किस तरह से देखते हैं उनके एक आज के समय में उनका जो एक पूरा सीता को एक प्रेजेंट किया जा रहा है कि हाउ इज सीता, किस तरह से देखते हैं? सीता को हमेशा हमने बहुत अलग रूप से देखा था पुराने रामायण में, कि उसका ओपिनियन नहीं था या फिर वो चुप बैठती थी। अभी इस सिया के राम में उसका एक्चुअल, जब आप रामायण पढ़ोगे तो सीता वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड वुमन। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसने अपने आप में नए की थी। वो एनिमल्स को प्रिय करती थी। उन्होंने ये औरतों को स्कॉलर्स बनाना या टीचर्स बनाना, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने सुना है कि पार्वती और दुर्गा माँ की जो टेंपल्स है, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि जब शिव जी की हम लोग प्रार्थना करते तो पार्वती माँ की क्यों नहीं। तो ये सब हमको ये सीखने मिल रहा है सिया के राम में। देर आर दीज फुट नोट्स दैट कम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीता वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट वुमन। वो हमें आज सिया के राम में देखना मिल रहा है। आज के दौर में कितनी सुरक्षित रहती है महिलाएं, क्योंकि उस वक्त रावण ने जिस तरह के राज क्या लगता है आपको? वक्त ज़्यादा बदला नहीं, हमारे पास रावण तो है लेकिन राम कहाँ है। राम भी होना ज़रूरी है सीता को बचाने के। लेकिन ये मुझे लगता है कि सिया के राम जो हम दिखा रहे हैं और हमारी नए जनरेशन को और ओल्डर जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि क्या था रामायण और कैसे हुआ होगा और क्या हमारी संस्कृति थी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। वह आप पुरुष हो, आप इसका जवाब दीजिए। और उसके पहले सिर्फ फिल्में करते, तो माइथोलॉजिकल तो पहला है ही, लेकिन सीरियल सीरियल में फर्स्ट सीरियल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि बचपन में एक्चुअली मैं महाभारत और रामायण दोनों की बड़ी फैन हूँ। महाभारत की ज़्यादा थी क्योंकि कृष्णा के वजह से नहीं, क्योंकि महाभारत में मुझे लगा कि इतने सारे फैसेट्स थे, लेकिन रामायण मैंने जब बाद में देखा डीवीडीज पे, तो स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता था देख, बट मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन इस टाइम जो सिया के राम ये ट्रायंगल फिल्म जो स्टारकास्ट कर रहा है, वो इतना एक्शन पैक्ड हो, आज के जो जनरेशन है, ये जनरेशन को उनको मद्देनजर रख